झारखंड के इस व्यक्ति को देखिए, इसने अपने ही घर में 1.5 लाख की चोरी का नाटक किया। जब पुलिस ने छानबीन की तो ये पता चला कि इसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है और इसमें ये 1.5 लाख रुपए हार चुका था और इसीलिए इसने ये चोरी का नाटक किया। शुभम से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वो कई दिनों से घर से पैसे चुरा रहा था। वो ऑनलाइन गेम में पैसे हारता गया, जिसके बाद उसने चोरी की, फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी और पूरा सीन क्रिएट किया। यह है महाराष्ट्र के एक PSI सोमनाथ, जिन्हें इनके डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, जब इन्होंने ड्रीम 11 गेम पर 1.5 करोड़ रुपए जीते। डिपार्टमेंट का कहना है कि इन्होंने ड्यूटी के टाइम में गेम खेली थी, जिसकी वजह से इनकी ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हुई। साथ ही में विदाउट परमिशन गैम्बलिंग करना या इन चीजों को प्रमोट करना सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है और इसीलिए सोमनाथ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जरा इस वीडियो को देखिए। I graduated from IIT Delhi, got introduced to online gambling through some online advertisements and I started putting my money over there. ये इंसान IIT Delhi से पढ़ा है, फिर भी ये online gaming और gambling में ऐसा फंस चुका है कि इसकी वजह से इसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और साथ में इस पर 10 लाख का कर्जा हो गया है। इसने अपने दोस्त खो दिए और कंडीशन तो इतनी खराब हो गई है कि महीनों से ये डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा। Couldn't focus on the job, so I lost my job and just went back home. I just was not able to focus on anything. All these things led me to some suicidal thoughts. In comments ko dekhiye, lost 5 lakh rupees. I have lost my family, reputation and money. Lost 20 lakhs in 5 years. Currently I am in depression. All online gamings are fraud. Isse hum is cheez ka sirf andaaza hi laga sakte hain ki kitne hi log online gaming ke chakkar mein apni zindagi barbaad kar chuke hain. Recently sarkar ne ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग्स पर 28% GST लगाने का फैसला किया है, जिसने गेमिंग इंडस्ट्री को हिला दिया है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसिनोस विल बी टैक्स्ड, दे विल बी टैक्स्ड एट 28%। अश्नीर ग्रोवर कहते हैं कि इससे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो मेरे को लगता है अगर ये टैक्स ऐसा आ गया तो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री बंद है, हम सबको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, कुछ और धंधा शुरू करना पड़ेगा। साथ ही GST डिपार्टमेंट ने ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ की GST की चोरी का नोटिस भेजा है। सरकार के हिसाब से ये सारी एक्टिविटीज गैम्बलिंग में आती है और इन्हें अपने पुराने ट्रांजैक्शंस पर भी 28% के हिसाब से GST पे करना है, जो कि इन्होंने नहीं किया है। अब इन सब चीजों से मन में एक सवाल तो आता ही है कि क्यों लोग इन गेमिंग से इतने परेशान हैं और सरकार इन गेम्स के पीछे पड़ी क्यों है। इन शॉर्ट, क्या है इन गेम्स के पीछे की डार्क रियलिटी। सबसे पहले हम इन गेम्स को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लिए मान के चलिए कि एक मेगा कॉन्टेस्ट गेम पर चल रहा है। मेगा कॉन्टेस्ट में 1.7 करोड़ लोग एंट्री कर सकते हैं। सब लोगों को 49 रुपीस डालने पड़ते हैं। इन गेम्स में आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है, जिसके लिए आपके पास 100 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। आप दोनों टीमों में से किसी भी प्लेयर्स को उठा सकते हैं। जीतने के लिए पॉइंट्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। 1 रन का 1 पॉइंट, विकेट के 25 पॉइंट, कैच के 8 पॉइंट। आपको फिर एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चूज करना पड़ता है। कैप्टन का स्कोर 2 टाइम्स हो जाता है और वाइस कैप्टन का 1.5 टाइम्स, और ये सारा स्कोर मिला के ऐड होता है। इसमें अगर आपका स्कोर हाईएस्ट होता है तो आप 2 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, वरना सेकंड रैंकिंग पर 1 करोड़ और थर्ड रैंकिंग पर 35 लाख जीत सकते हैं। यहाँ इनका फर्स्ट प्राइज तो गारंटीड होता है, पर बाकी के प्राइजेस वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग उस गेम में उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने पैसे एक्चुअल में जमा हुए हैं। अब इनका रेवेन्यू मॉडल समझते हैं। एक मेगा कॉन्टेस्ट में 1.7 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन में कई सारे इवेंट्स चलते हैं, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। अब अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें और उसमें भी सिर्फ मेगा इवेंट्स की बात करें, तो अगर 1.7 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सब मिनिमम 49 रुपीज इसमें डालते हैं तो टोटल 83.3 करोड़ रुपीज इकट्ठा होंगे। यानी कि जो गेम जीतते हैं उन्हें भी इन्हीं में से पैसे मिलेंगे और इवन जो कंपनी है जो गेम बना रही है उसे भी इन्हीं में से पैसे मिलेंगे। अब जो कंपनी है वो अपनी प्लेटफॉर्म फीस 15-20% निकाल लेती है, जिसके हिसाब से एक गेम से कंपनी 12.5 करोड़ कमाती है। हर साल IPL के 70 मैचेस और वर्ल्ड कप में 48 मैचेस खेले जाते हैं। अगर सारी गेम्स को मिला के हम ये भी माने कि टोटल 200 गेम्स हुई है, तो ये 2500 करोड़ की सीधा साधा कंपनी रेवेन्यू होगा। और ये तो सिर्फ एक तरह का मेगा कॉन्टेस्ट ही है। इसके अलावा 1-on-1 गेम्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, ये आने वाला रेवेन्यू तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनकी इनकम 4065 करोड़ रुपीस थी, जिसमें से 224 करोड़ तो इस कंपनी ने सिर्फ इंटरेस्ट से ही कमाए थे। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितना पैसा कमाती है हर साल। और ऐसे ही थोड़ी ना कोई कंपनी
वर्ल्ड कप की टाइटल स्पॉन्सर बन सकती है। अब ऑब्वियसली आप जीतो ना जीतो, कंपनी तो प्रॉफिट कर ही रही है, लेकिन अब ये कैलकुलेट करते हैं कि आपके चांसेस क्या है 2 करोड़ रुपए जीतने के लिए। तो 1 divided by 1.7 crore into 100 which is 0.000005%। अब इससे ज्यादा कहीं चांसेस तो आपके आईएएस बनने के हैं। अब इससे क्लियरली ये तो पता चलता है कि ये एक तरीके का ट्रैप है जिसमें हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन कंपनी तो हर मैच में कमाएगी ही कमाएगी अपना 15-20% कट निकालकर। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं लेंसकार्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। तो आज मैं उनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट लेंसकार्ट हसलर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये आईवेयर आपने को फाउंडर और सीईओ मिस्टर पीयूष बंसल को शार्क टैंक में पहने हुए जरूर देखा होगा। ये पावर और जीरो पावर दोनों में अवेलेबल है। ये 90% हार्मफुल डिजिटल लाइट्स को ब्लॉक कर देता है जिससे हमारी आंखों पर स्ट्रेन भी नहीं पड़ता और इससे होने वाले हेडेक प्रॉब्लम भी अवॉइड होती है। इसका वेट भी बहुत ही लाइट है और इसमें 11 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 मेरे पास हैं। अभी इसमें ऑफर चल रहा है और हसलर सीरीज हम 999 रुपीज में ले सकते हैं और बाकी सनग्लासेस और आईवेयर्स भी अप टू 60% ऑफ में हम ले सकते हैं लेंसकार्ट आइकॉनिक सेल्स में। साथ ही साथ लेंसकार्ट फ्री में कॉन्टेक्ट लेंसेज भी दे रहा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो सवाल ये है कि क्यों गवर्नमेंट इन फैंटेसी ऐप पर क्रैकडाउन कर रही है? सरकार को ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता? देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने फैंटेसी गेमिंग से बढ़ती प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए इस पर 18% से बढ़ाकर जीएसटी को 28% कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसिनोस विल बी टैक्स्ड, दे विल बी टैक्स्ड एट 28%। मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली ये टैक्स इन कंपनीज को अफेक्ट कैसे करेगा। देखिए, पहले कंपनीज जो 15% गवर्नमेंट फीस चार्ज करती थी उस पर 18% जीएसटी लगता था। इसका मतलब था कि अगर 100 लोगों ने 100-100 रुपए डाले तो टोटल अमाउंट बना 100 × 100 यानी 10,000 रुपए। इस पर कंपनी अपना 15% लेती थी यानी 1500 रुपए। अब पहले सरकार कंपनी के रेवेन्यू पर यानी 1500 रुपयों पर 18% लेती थी और 18% ऑफ 1500 हुआ 270 रुपए, यानी ये 270 रुपए गवर्नमेंट को मिलते थे, जिसका मतलब था कि जो प्राइज मनी है वो 8230 रुपए है, वो ही अब सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अब सरकार फेस वैल्यू पर 28% लगाना चाहती है, मतलब टोटल अगर 10,000 रुपए कलेक्ट हुए हैं तो उस पर 28% टैक्स हुआ 2800 रुपए। अगर कंपनी 2800 रुपए गवर्नमेंट को दे रही है तो 15% जो बाकी है वो भी पूल मनी से ही लिया जाएगा। इसके बाद फिर पूल मनी अमाउंट पर 15% प्लेटफॉर्म फीस कंपनी चार्ज करेगी। इन सब डिडक्शन को हटा दिया जाए तो टोटल पूल अमाउंट बचा 10,000 - 2800 - 1500 यानी 5700 रुपीज, जो कि अब विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना टैक्स देने के बाद भी जो इंसान जीतेगा उसको अपने प्रॉफिट पर 30% का TDS और देना होगा। मतलब अगर पहले 3000 रुपए, दूसरा 2000 और थर्ड प्राइज 700 रुपए है तो 30% TDS के बाद 2130, 1430 और 520 रुपए मिलेंगे। बाकी 997 लोगों के पूरे पैसे डूब जाएंगे। अब हम वो रीजंस देखते हैं कि क्यों ये फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम सरकार के गले की हड्डी बन चुका है, जिसकी वजह से सरकार इन पर इतना कंट्रोल बनाना चाहती है। फर्स्ट, फैंटेसी स्पोर्ट्स एडिक्टिव होते जाते हैं। निमहंस की स्टडी के हिसाब से इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू ऑनलाइन गेमिंग पिछले कुछ सालों से 4 गुना बढ़ गई है। ये वीडियो देखिए। इट्स नॉट जस्ट द विनिंग दैट काउंट्स, it's the taking part, and the taking part repeatedly when you don't win is as activating to a gambler as the winning. इसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि गेमिंग्स में जीतने पर या खेलने पर दिमाग के सिमिलर एरियाज एक्टिवेट होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप जीत भी नहीं रहे लेकिन सिर्फ गेम खेल रहे हो तो भी आप उतने ही एडिक्टेड हो जाओगे जितना कि एक जीतने वाला प्लेयर। सेकंड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सफुल टाइम। अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो एक इंसान ऑन एन एवरेज 1-2 घंटा स्पेंड करता है इन गेमिंग एप्लीकेशंस पर। मनीटरी टर्म्स में देखा जाए तो अगर 1.5 करोड़ लोग 1 घंटा भी स्पेंड करें तो एक गेम में टोटल 1.5 करोड़ आवर्स वेस्ट होते हैं। अगर एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज दिन में 8 घंटे भी काम करता है तो इसका मतलब है कि 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 विच इज 1875000 दिनों का काम इम्पैक्ट होता है। और अगर हम मान के चलें कि एक इंसान ऑन एन एवरेज एक दिन में 500 रुपए भी कमाता है तो हमने एज अ कंट्री 93 crore 75 lakh rupees लॉस करे हैं जो कि इकोनॉमी में ऐड हो सकते थे। रीजन नंबर 3, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन का ये जरिया है। रिसेंटली कपिल शर्मा, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर को एक समन मिला क्योंकि उन्होंने 200 करोड़ की शादी में परफॉर्म किया था दुबई में। ये शादी किसी दुबई के शेख की नहीं थी बल्कि महादेव बैटिंग ऐप के फाउंडर की थी, जिन पर 5000 crore का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। फलों का जूस बेचने वाला ये व्यक्ति इलीगल बेटिंग के बिजनेस से 1000 crore रुपए का मालिक बन गया
और इस साल फरवरी के महीने में जब दुबई में इसकी अपनी शादी हुई तो इस शादी पर उसने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके फाउंडर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में एक जूस और टायर शॉप चलाते थे, फिर वहां से वो दुबई शिफ्ट हो गए जहां से उन्होंने ये बेटिंग ऐप शुरू की और आज इन पर 5000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये लोग इन पैसों पर कोई टैक्स नहीं देते और लॉन्ड्रिंग के थ्रू ये पैसा दुबई पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन एक दिन में 200 करोड़ रुपए कमाती है और हवाला सिस्टम के थ्रू पैसे दुबई चले जाते हैं और इंडिया को कोई टैक्स नहीं मिलता। अब हमें से जो लोग सोचते हैं हवाला सिस्टम है क्या, इसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान इंडिया में रहता है जिसका नाम है रितेश और वो पैसे भेजना चाहता है दुबई में अपने दोस्त को जिसका नाम है साहिल। अब रितेश इलीगली ये पैसे साहिल को देना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि हवाला सिस्टम से एक इंसान ढूंढा जो कि इंडिया में रहता है, उसने उसको सारे पैसे पकड़ा दिए और साथ में एक पासवर्ड भी बता दिया। अभी जो इंसान है जिसको हम ब्रोकर ए कह सकते हैं, वो दूसरे इंसान को यानी ब्रोकर बी को कॉन्टैक्ट करेगा और उसको बताएगा कि हाँ मुझे रितेश से इतने पैसे मिल चुके हैं। अब क्योंकि ब्रोकर बी दुबई में रहता है तो साहिल उस ब्रोकर बी से मिलेगा, उसे वही पासवर्ड बताएगा जो रितेश ने उसे फोन में बताया है और बाद में ब्रोकर ए और ब्रोकर बी मिलकर अपना हिसाब किताब कर लेंगे। और यही कारण है कि इन वजहों से सरकार इन एप्लीकेशन के पीछे पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि ये एप्लीकेशन ऐसी कौन सी ट्रिक्स यूज करती है जिससे गरीब से लेकर सारे मिडिल क्लास लोग इस गेम के एडिक्टेड हो चुके हैं और इस गेम को छोड़ नहीं पा रहे। फर्स्ट है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहे हो और वहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। फिर आप अपने फोन में यूट्यूब देखते हो और फिर अगेन आपको वहाँ पर ये एड्स दिखाई देती है। अब इतने सारे प्लेयर जब आपको बोलेंगे कि टीम बना के अपने करोड़ों रुपए जीतो, टीम बना के अपने करोड़ों रुपए जीतो, तो एक बार तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लोगे। फिर जब इस तरीके की एड्स हम देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक आम आदमी ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, तब मुझे पता चला कि मैं लीडर बोर्ड पे नंबर 1 रैंक लाया और मुझे 1 करोड़ रुपए का राशि मिला। फिर हम सोचते हैं कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ और फिर मिनिमम फीस तो 50 रुपए ही है, ये चले भी गए तो क्या होगा। तो इसमें हमको अमीर बनने का जरिया दिखाई देता है और हमें लगता है कि अगर हमने ये गेम नहीं खेली तो हमारे साथ वाला दोस्त खेलेगा और वो करोड़ों रुपए जीत जाएगा। सेकंड है लो एंट्री कॉस्ट। लत लगने के लिए 4 रुपए से शुरुआत करो क्योंकि फर्स्ट गेम का डिस्काउंटेड प्राइस होता है सिर्फ 4 रुपए। अब क्योंकि इतने कम पैसों से हम गेम खेल सकते हैं तो हम सोचते हैं कि 4 रुपए लगा के तो देख ही लेता हूं, इतने में तो क्या ही हो जाएगा। अब एक्चुअल में 4 रुपए से कुछ नहीं होता, पर 4 रुपए से लत तो लग ही जाती है। याद है बचपन में हमारी मम्मी हमें 1 रुपए चुराने के लिए कितना डांटती थी। बात 1 रुपए की नहीं थी, बात ये थी कि अगर ये बचपन में आदत सुधारी ना गई तो आगे चल के ये आदत और बड़ी हो सकती है। इसके साथ ही ये कंपनीज आपको फ्री क्रेडिट्स देकर खेलने के लिए अट्रैक्ट करती है। आपको मैसेज आएगा कि ₹10,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। आप खुश होकर लिंक दबाओगे और देखोगे कि ये लिंक तो किसी गेमिंग एप्लीकेशन का है जहां पर आपको 10,000 पे क्रेडिट किए गए हैं और आपको ये बोल रहे हैं आजा अब तू गेम खेल। और जैसे ही आपने फ्री की गेम खेली आपको झट से आदत लग जाएगी। थर्ड इज हनीमून फेज। आपको 1-2 बिगनिंग की गेम्स में होता है हनीमून फेज। इसमें आपको छोटे मोटे रिवॉर्ड्स जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि आपको गेम की लत लग जाए। यही सेम स्ट्रैटेजी पबजी जैसी कंपनीज भी यूज करती है। जैसे ही आप इनकी पहली गेम खेलते हो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इससे आपको लगता है कि अगर बिना प्रैक्टिस मैंने इतना अच्छा कर दिया तो मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाऊंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा और बस आप जाल में फंस जाते हो। फोर्थ है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक बार जीतने के बाद आपको लगेगा कि आप ये गेम समझ चुके हो और आप इसे खेलना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगेगा कि आप टीम बना रहे हो तो आपके पास गेम का पूरा कंट्रोल है और आप अपने स्किल से जीत भी सकते हो, तभी आप हारने लगते हो। देखिए नागपुर के एक बिजनेसमैन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। पहले तो वो 5 करोड़ रुपए जीत गया और फिर लगातार 58 करोड़ रुपए हारता चला गया। पांचवा रीजन है द संकन कॉस्ट फैलेसी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हारने के बाद आप सोचते हो कि हाँ मुझे जीतना नहीं है, बस जितने पैसे गवाए थे उतने रिकवर कर लेता हूँ और फिर एक और बार आप गेम खेलते रहते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था जीतने के चांसेस तो 0.00005% है और इसीलिए ऑलमोस्ट सारे लोग हार जाएंगे। और इन सब वजहों से 4 रुपए लेकर हम इस गेम में घुस तो जाते हैं लेकिन लाखों का नुकसान करवा कर हम वापस आते हैं। अब हम सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो सरकार इसे पूरे तरीके से बैन क्यों नहीं करती। देखिए इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला रीजन है इलीगल बैटिंग एप्स। अब हम सबको पता ही है कि इंडिया में वीड बैन है। इवन 1985 में
NDPS यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के सेक्शन 20 में इसे बैन कर दिया था और 10 साल की जेल या 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। पर ये तो सब कागजी बातें हैं, हम सबको पता है कि कितनी आसानी से वीड बाजार से लोग खरीद ही लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली और मुंबई वर्ल्ड की टॉप वीड कंज्यूमिंग कंट्रीज की लिस्ट में आती है। तो डर ये है कि अगर हम इन एप्लीकेशंस को बंद कर भी देते हैं तो भी लोग इलीगली इन गेम को खेलना स्टार्ट कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था तेलंगाना में और ये पहला स्टेट था जिसने ऑनलाइन फैंटेसी गेम और गैम्बलिंग ऐप को बैन किया था। इन्होंने यूज किया था तेलंगाना गेमिंग एक्ट 1974। सरकार को लगा कि अब तो गेमिंग बंद हो जाएगी, पर एक्चुअल में हुआ उल्टा। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन थी वो तो बैन हो गई, पर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन आगे आने लग गई, जिसकी वजह से सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि इन एप्लीकेशंस को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था। इसके साथ ही जो पुरानी फैंटेसी गेम्स ऐप थी उससे सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता था। ये अजम्पशन है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री से सरकार को 25,000 करोड़ का टैक्स का मुनाफा होगा। देखिए अब अश्नीर ग्रोवर की खुद इस तरीके की एप्लीकेशन है, इसलिए वो तो सरकार के पीछे पड़ गए। 10,000 नौकरियां जाएंगी, एड रेवेन्यू जो BCCI हो गया या जितनी जो टीवी की कंपनीज हैं जो मैच दिखाती हैं, सबका रेवेन्यू ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से चल रहा था। तो इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट है जिनको अभी, जो अभी तक सरकार ने मेरे ख्याल से इवैल्यूएट ही नहीं करा ये डिसीजन लेने से पहले। उनका कहना है कि इससे हजारों नौकरियां चली जाएंगी, सारी कंपनीज इंडिया छोड़कर विदेशों में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। अब एक्चुअल में इन्होंने किया क्या कि ये सारे मिलकर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और वहाँ पर इन्होंने ये प्रूफ करवा दिया कि ये एप्लीकेशन कोई बेटिंग एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी स्किल वाली एप्लीकेशन है। जैसे पता नहीं इन एप्लीकेशन से हम कोई रॉकेट साइंस बनाने का स्किल सीख रहे हैं और इलॉन मस्क को पीछे छोड़ने वाले हैं। देखिए हुआ ये था कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दो जस्टिस ने एक जजमेंट दी, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी ने। इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि वो सारे गेम्स जिसमें प्लेयर की नॉलेज, जजमेंट और अटेंशन लगती है, वो सारी गेम्स गेम ऑफ स्किल होती हैं और इन सारी गेम्स में आप कांस्टेंट प्रैक्टिस से अच्छे हो सकते हैं और इसे जीत सकते हैं। ऐसे ही क्योंकि हमें दिमाग लगा के प्लेयर की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, पिछला पिच देखना पड़ता है, सोच के टीम बनानी होती है, जिसकी वजह से ड्रीम इलेवन जैसी गेम्स गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में आएगी। साथ ही में अगर हम आर्टिकल 19(1)(g) को देखते हैं तो राइट टू ट्रेड और प्रोफेशन एक फंडामेंटल राइट है, जिसका मतलब है कि अगर हम स्किल वाली ऐप में अपना ट्रेड यूज करते हैं यानी पैसे देते हैं उनको, तो ये तो लीगल काम हो गया। और कोर्ट के ऐसे लूपहोल्स को यूज करने के बाद ड्रीम इलेवन ने तो अपनी टैगलाइन भी चेंज कर दी। अब वो कहते हैं खेलो दिमाग से और खेलो क्रिकेट दिमाग से, ताकि हम लोगों को मैन्युपुलेट कर सके, गवर्नमेंट को मैन्युपुलेट कर सके। ये गेम ऑफ स्किल है ना कि गेम ऑफ लक। देखिए दूसरी जगह बहुत से लोगों का कहना था कि ये गेम गैम्बलिंग की कैटेगरी में ही आती है, क्योंकि यूजर के पास कोई प्लेयर की परफॉर्मेंस का कंट्रोल तो है नहीं और उसका जीतना एक प्योर लक है ना कि स्किल। आप इस इंसान की स्टोरी सुनिए। वैसे मुझे इन चीजों के मामले में पता नहीं था उतना कि कैसे टीम बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों से मैंने गांव में ही सीखा था। इस आदमी को गेम की ज्यादा नॉलेज थी नहीं, फिर भी इसने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही दिनों में ये 1 करोड़ रुपए जीत गया। अगर एक्चुअल में ये गेम ऑफ स्किल होती तो ये 1 करोड़ रुपए इतनी जल्दी जीतता कैसे? कोई बिना स्किल के कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए नहीं जीत सकता, क्योंकि ये एक्चुअल में गेम ऑफ स्किल है। यहाँ पर हर कंटेस्टेंट का एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, उसके घंटों की मेहनत होती है, वो बहुत सालों से किताबें पढ़ रहा होता है और इसीलिए वो इन 15 क्वेश्चंस का आंसर दे पाता है। और अगर ये एक्चुअल में गेम ऑफ स्किल है तो सरकार ने इस पर GST 28% करा क्यों? इतना GST तो गैम्बलिंग एक्टिविटीज पे लगता है। देखिए अगर थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर मैं बात करूं पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 की, तो उसके अकॉर्डिंग जो गैम्बलिंग एक्टिविटीज है वो इंडिया में इलीगल है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गोवा दमन दीव में कैसीनोज चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी रूल बुक हमारी लॉ बुक में लिखा है कि जो कैसीनोज हैं वो इंडिया के लैंड में बैन है। तो इंडिया के बिजनेसमैन ने बोला कि जमीन में बैन है ना, कोई बात नहीं, इसे समंदर में खोल देते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स लगा के वहाँ पर कैसीनोज खोल दिए। इसके साथ ही पॉइंट ये है कि बैटिंग या गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, यानी स्टेट डिसाइड करेंगे कि इनके साथ होना क्या चाहिए। अगर गोवा की बात करें तो गैम्बलिंग से गोवा की सरकार को 400 से 500 करोड़ रुपए आते हैं और वैसे भी कोर्ट ने ड्रीम इलेवन, माय रमी सर्कल, पोकर को कई बार प्री डोमिनेंस टेस्ट के चलते गेम ऑफ स्किल प्रूव किया है। अब प्री डोमिनेंस टेस्ट का मतलब है कि इसमें लक के साथ साथ थोड़ी बहुत स्किल भी चाहिए, तो हल्का सा स्किल का शब्द आ गया तो बिजनेसमैन ने बोला कि बस अब ये तो स्किल ऐप ही है और इसीलिए इसे कंट्री में लागू होने दो। पर अब सवाल ये आता है कि सरकार क्या करे, अपनी इकोनॉमी को बचाए या लोगों को? इसका एक सिंपल सा सलूशन है, रेगुलेशन। गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड लॉ ला सकती है, यानी हर स्टेट के लिए एक ही लॉ,
जिसकी वजह से हर स्टेट को ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। ये रूल ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट केवाईसी के बाद ही गेम खेली जा सकती है, जिसमें एटलीस्ट बॉट्स नहीं आएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जा सकता है। साथ ही इसके साथ ये होगा कि 18 से बड़ी एज वाला बंदा ही गेम खेल सकता है। इसके साथ ही बच्चों को फ्री टाइम में स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी इसमें सब कुछ नहीं कर सकती। इवेंचुअली तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि करना क्या है। देखिए बेस्ट केस तो ये है कि हमें ये गेम अवॉइड करनी है, और अगर खेलना भी है तो पूरी तरीके से गेम के नेगेटिव आउटकम को ध्यान रख के ही खेले। दुख की बात तो ये है कि ड्रीम 11 जैसी एक गेम में एक दिन में लोग 1 से 2 घंटे स्पेंड करते हैं। और अगर बुक्स की आपकी बात करें तो एनीवेज अगर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप ड्रीम 11 की जगह इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर की भी चिंता है कि वो इस गेम में कई करोड़ों रुपए बर्बाद ना कर दे, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।